आपको अगर एडेनियम अच्छा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर देखिए। ये वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी एडेनियम, अरेबिकम, ओबेसम, सोमालियन ख़राब नहीं होगा, एकदम कंफर्म है फ्रेंड। वीडियो को मत स्किप कीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए, कैसे रिपोर्टिंग करना है और सारे जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड, ये है एडेनियम के अरेबिकम का वैरायटी, ये देखिए हमने इसे लगाया है। तो बहुत सारे फ्रेंड पूछते हैं कि इसका सॉयल मीडिया पॉटिंग मिक्स क्या होता है, किसमें लगाने से ये पौधा ग्रो होता है। आप कोई भी एडेनियम लीजिए, अभी तक का बेस्ट है। मैं आपको इसका रिपोर्टिंग का वीडियो और इसका किसमें लगाने से अच्छा रहता है मैं आज आपको बताऊंगा। आपका प्लांट एकदम टाइट होगा, कोई भी प्लांट सॉफ्ट नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। इसमें हमने यूज़ किया है ऐसे पॉट में, ये देखिए ये आपको दिख रहा है, ये कोको चिप्स है, कोको पीट नहीं है फ्रेंड, ये कोको चिप्स है। आप सिर्फ कुछ नहीं चाहिए एडेनियम को, आप सिर्फ ये कोको चिप्स लीजिए, थोड़ा सा इसका ब्लॉक आता है, आपका नियरेस्ट फर्टिलाइज़र के दुकान से मिल जाएगा या नर्सरी से मिल जाएगा कोको चिप्स का ब्लॉक। अगर नहीं मिलता तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम भी भेजते हैं कोको चिप्स का ब्लॉक, आपको हमारे पास मिल जाएगा। ये देखिए अरेबिकम कोको चिप्स, ऐसा इसके साथ आपको मिलाना है थोड़ा सा भार्मी कंपोस्ट। हाँ फ्रेंड, भार्मी कंपोस्ट और एक चीज़ देना है, ये देखिए ये है चारकोल जला हुआ केला, अगर आपके पास है तो, नहीं तो आप छोटे केला का कोल का जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है उसे यूज़ कर सकते हैं। और ये जला हुआ है सिंडर, जिसे हम कहते हैं वही सिंडर है। तो भार्मी कंपोस्ट, सिंडर एंड कोको चिप्स एकदम एडेनियम के लिए बेस्ट है। आप एक बार लगा लीजिए फिर मुझे बताइएगा आपका एडेनियम कैसा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपके एडेनियम में, कंफर्म है फ्रेंड। जब इस पौधे में उसमें लगाने के बाद आप देखिएगा कि इसमें पत्ता आना शुरू हो गया, पत्ता बड़ा होना शुरू हो गया, समझ लीजिएगा प्लांट का रूटिंग शुरू हो गया। जब भी आपका प्लांट ग्रोथ करे आपको ये समझना है कि उसका नीचे भी ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि प्लांट का नीचे ग्रोथ होगा तो ऊपर ग्रोथ होगा, आपको दिखाई देगा। ऊपर फूल आया है मतलब नीचे रूट्स मजबूत हो गया है। तो ऐसा पौधा आपको अगर चाहिए या आप रिपोर्टिंग तो हम आपको बता दिए हैं, तो इसके लिए फ्रेंड एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़। और कोई भी पौधा चाहिए तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप हमसे। और एक इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड, पानी, पानी कैसे देना है एडेनियम में। तो एडेनियम में पानी आपको थोड़ा देख के मेंटेन करके देना है। बारिश के सीज़न में अभी चल रहा है, बारिश का सीज़न में इसको पानी आप कम ही दीजिए, ज़्यादा पानी का ज़रूरत इसको नहीं है। ऐसे जब ऊपर के पोर्शन आप देख रहे हैं ऐसे ड्राई होगा तभी आप पानी दीजिए। फिर जब ऐसे ही कलर देख के आपको पता चल जाएगा कि ये ड्राई है क्या है, तो ऐसे ही पानी दीजिए, कम कम करके, ज़्यादा नहीं चाहिए इसको, गर्मी के सीज़न में ज़्यादा चाहिए। थैंक यू फ्रेंड।